Hello everyone. From today, I am going to start Benignant's theorem. In this, we have to prove that algebraic sum of moments of two coplanar forces not forming a couple acting on a rigid body about any point in their plane is equal to moment of their resultant about that point. मतलब देखो, तुम्हारे को पता है कि कपल कौन सी होती है? जो दो पैरेलल इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस होती है, अनलाइक इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस, वो कपल बनाती है. बस कपल नहीं होना चाहिए. यानी कि हमने फोर्सेस कितने टाइप की थी हैं? दो फोर्सेस कोप्लेनर, या तो दो फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, या दोनों लाइक पैरेलल होती है, या दोनों अनलाइक पैरेलल होती है. तो अब हम इन तीन केसेस को करेंगे. अनलाइक पैरेलल में हम P और Q की वैल्यू इक्वल नहीं कंसीडर करेंगे. तो ये पहला केस अपने पास है, हम लेकर चलते हैं, जिसमें कि P और Q फोर्स एक दूसरे को किसी एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो मैंने अब यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया कि एक फोर्स मैंने P ले ली, एक मैंने फोर्स Q ले ली, दोनों फोर्सेस आके एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती है. अब मुझे मूवमेंट निकालना है. मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट. अबाउट अ पॉइंट, वो पॉइंट मैंने ए कंसीडर कर लिया. अब ए से मेरे को इनका मूवमेंट निकालना है. तो मैंने ए से ओ को, जो इन दोनों का पी और क्यू का इंटरसेक्शन पॉइंट था, उनको मिला दिया. और इस ओ ए के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, जिसको मैंने एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया. तो यानी कि ओ ए मेरा एक तरीके से वाई एक्सिस हो गया. O x is equal to x axis के तरीके से बिहेव करेगा. अब देखो, अब अपने पास अपने को पता है कि जब हम मूवमेंट निकालते हैं तो सबसे पहले मैं P फोर्स का मूवमेंट निकालती हूँ. P फोर्स का मूवमेंट कितना होगा अबाउट अ पॉइंट A, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट होना है. तो A के अबाउट मैंने पहले P फोर्स का मूवमेंट निकाला, तो वो कितना होगा? फोर्स P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. देखो, A पॉइंट इधर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो P इंटू ए एन हो गया. अब मैंने इलेक्ट कर लिया कि लेट अस कंसीडर दिस एंगल बी अल्फा, जो कि ये P फोर्स ओ ए के साथ बना रही है, वो एंगल मैंने अल्फा कंसीडर कर लिया. अब क्योंकि मुझे पता है ओ ए ओ एक्स के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है, तो इसलिए जो ये P फोर्स यहाँ पे कितना एंगल हो गया एक्स एक्सिस के साथ P का? 90 माइनस अल्फा एंगल हो गया. तो मैंने अब इसको क्या लिख लिया, ए एन के साथ ओ ए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो ये ए एन ओवर ओ ए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये मेरे पास कितना बन गया? साइन अल्फा. अब देखो, मैं साइन अल्फा की जगह पे कोस 90 माइनस अल्फा भी लिख सकती हूँ. तो ये अपने पास यही चीज हो गई ना, तो मैंने इसको लिख लिया पी इंटू ओ ए कोस 90 माइनस अल्फा. इससे मैंने क्या निकाल दिया कि जो ये इसका मूवमेंट आया है वो पी फोर्स का मूवमेंट आया है ओ ए इंटू, देखो जो ये वाली वैल्यू है, रिजोल्ड पार्ट ऑफ पी अलोंग ओ एक्स. देखो, ओ ए को मैंने इधर लिख लिया, पी रिजोल्ड पार्ट. तो ये कोस 90 माइनस अल्फा क्या हुआ कि P का रिजोल्ड पार्ट अलोंग x एक्सिस. तो यहाँ पे रिजोल्ड पार्ट ऑफ P अलोंग OX, ठीक है. बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सेम Q का भी निकाल लिया. तो मूवमेंट ऑफ Q क्या आ जाएगा? OA इंटू रिजोल्ड पार्ट ऑफ Q अलोंग OX. इससे अब मेरे पास सिर्फ वैल्यू क्या हो गई, अब मुझे यहाँ पे निकालना क्या है? देखो, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ, ठीक है. तो मैंने अब कर दिया एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ पी एंड क्यू अबाउट ए. तो वो क्या चीज हो गई, यहाँ पे भी ओ ए है, यहाँ पे भी ओ ए है, तो ओ ए मैंने कॉमन निकाल लिया इंटू एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट ऑफ पी एंड रिजोल्व पार्ट ऑफ क्यू अलोंग ओ एक्स. ये अपने पास हो गया. अब देखो, मुझे पता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट ऑफ पी एंड क्यू क्या होता है, ये रिजल्टेंट का के इक्वल होता है, सम ऑफ रिजोल्व पार्ट ऑफ पी एंड क्यू. तो वो क्या चीज होता है? रिजोल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट ओ एक्स. तो यहां से मेरे को क्या चीज मिल गई, यानी कि अगर दो फोर्सेस
एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो मोमेंट के लिए मेरे पास एक सिंगल फोर्स आर के इक्वल रिजल्ट निकालना सफिशियंट है, रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब ये दोबारा से आ जाओ। अब हमने क्या कंसीडर किया, ये फर्स्ट केस तो मैंने निकाल दिया जब दो फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी। अब मैं एक केस लेकर चल रही हूं, मतलब सेकंड केस में लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस में एक मैंने फोर्स पी कंसीडर करी, दूसरी फोर्स मैंने क्यू कंसीडर की, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट पे मैंने उनका रिजल्टेंट कंसीडर कर लिया पी प्लस क्यू। अब तुम्हारे को पता है कि अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं तो पी इंटू ए सी इज इक्वल टू क्यू इंटू सी भी होता है अदर दो फोर्सेस के बीच का। तो ये चीज हमने कर दी। अब मोमेंट निकालना है, ऑब्वियसली मोमेंट हमें किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगी, तो मैंने ये जो लाइन ए बी ली है उसको ये मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। एक बार मैं ओ को एक्सटीरियर पॉइंट लूंगी ए बी फोर्स के, मतलब पी और क्यू के बीच में नहीं लाई कर रहा, आउटसाइड लाई कर रहा है। एक बार पी और क्यू फोर्स के इनसाइड कहीं पे लाई कर रहा है, तो ये मैं इसके दो सब केसेस कंसीडर कर लूंगी। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस में मेरे पास एक तो रिजल्ट हो गया पी इंटू ए सी इज इक्वल टू क्यू इंटू सी बी, और उस रिजल्ट में ओ मैंने पहले केस में ले लिया आउटसाइड है, ओ पॉइंट ए बी के आउटसाइड है। तो फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ पी एंड क्यू अबाउट ओ कितना हो जाएगा, देखो पहले मैं लूंगी ये पी फोर्स, पी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए ओ, तो यहां पे हो गया पी इंटू ए ओ। दोबारा अब क्यू के साथ कितना हो गया बी ओ, या ओ बी ए की बात है तो क्यू इंटू ओ बी। तो ए ओ को देखो, ए ओ को मैं लिख सकती हूँ ओ सी माइनस ए सी, तो मैंने इसको ए ओ को क्या लिख लिया ओ सी माइनस ए सी। इसी तरीके से ओ बी को मैंने लिख लिया ओ सी प्लस सी बी। ठीक है, तो इधर से फिर मैंने पी और क्यू वाली टर्म्स इकट्ठी कर दी, तो ये क्या हो गया पी प्लस क्यू ओ सी, फिर हो गया माइनस पी इंटू ए सी प्लस क्यू इंटू सी बी। पर मुझे पता है कि पी इंटू ए सी इज इक्वल टू क्यू इंटू सी बी, इससे मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, ये वाली वैल्यू मेरे पास कट गई और यहां से वैल्यू आ गई पी प्लस क्यू इंटू ओ सी। पी प्लस क्यू किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट। तो मेरे पास फिर कितना आ गया, देखो यहाँ पे पी प्लस क्यू इंटू ओ सी, यानी कि मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ओ। अब फिर से आ जाओ, अब ओ अगर हमारे पास विद इन ए बी कंटेन करता है, अब देखो जो ये ओ पॉइंट है अगर ए बी के बीच में लाई करता है, तो अब यहां पे देखो यहां पे ये पॉइंट ओ था, ए पॉइंट से पी फोर्स इधर है तो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, ये सारी की सारी कैसी थी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थी तो हमने पॉजिटिव लिया। अब क्योंकि ओ इनसाइड है, देखो ओ ये पॉइंट है, तो पी फोर्स कैसे हो गई, ये क्लॉकवाइज हो गई, ये सी फोर्स कैसे हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ये क्यू फोर्स कैसी हो गई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि हम साथ ही मूवमेंट में साइन का भी ध्यान रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब मेरे पास पहले क्या हो गया, ऑब्वियसली माइनस पी इंटू ए ओ, माइनस पी इंटू ए ओ प्लस क्यू इंटू ओ बी, और ये फिर कितना हो गया माइनस पी बाहर रखा ए ओ। अब देखो जो ये ए ओ है उसको मैंने क्या लिख लिया ए सी माइनस ओ सी, ए सी माइनस ओ सी। इसी तरीके से क्यू, क्यू की वैल्यू अपने पास है ओ बी, ओ बी को तो फिर मैंने लिख ही लिया ओ सी प्लस सी बी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहां से ये हो गया माइनस पी ए सी और ये वाली वैल्यू माइनस माइनस हो गई प्लस, तो ये हो गया प्लस पी ओ सी, यहां से प्लस क्यू ओ सी और साथ अपने पास आ गया क्यू सी बी, ये वाली वैल्यू फिर से कट गई और ये पी प्लस क्यू मेरे पास किसके इक्वल है, रिजल्टेंट। तो ये हो गई आर इंटू ओ सी। इस केस में भी मेरे पास फिर क्या चीज आ गई, मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट ओ। अब देखो अब अपने पास है ये सब केस टू, इसके अंदर क्या दिया हुआ अपने को, वेन फोर्सेस आर अनलाइक पैरेलल।
अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए भी हम केस कर चुके हैं कि देखो पी फोर्स अपने पास ए पॉइंट पे एक्ट कर रही है, क्यू फोर्स बी पॉइंट पे एक्ट कर रही है, इनका रिजल्टेंट ए के आउटसाइड सी पे होगा जो कि P माइनस क्यू पे का होगा, क्योंकि P और Q इस टाइम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और जो बड़ी फोर्स है उसके आउटसाइड पे रिजल्टेंट एक्ट करता है। और कंडीशन होती है P इंटू ए सी क्यू इंटू सी बी, बिल्कुल सेम वो ये वाली वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से लाइक पैरेलल वाली के तरीके से जाती है, क्योंकि जो रेशियो प्रोपोर्शनलिटी हम करते हैं वो हम किस तरीके से करते हैं, पी और बाकी बची हुई दो फोर्सेस की रेशियो, क्यू बाकी बची हुई दो फोर्सेस की रेशियो, ये एसी। तो यहां से कितना आ गया, पी इंटू एसी इज इक्वल टू क्यू इंटू बीसी। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस बेस पे देखो, पहले हमने केस वन कंसिडर किया कि जब हमने मूवमेंट निकालना है पॉइंट ओ के और वो ओ पॉइंट आउटसाइड है ए बी के। अब देखो जो ये ओ पॉइंट है ए बी के आउटसाइड है, पहले हम ये पॉइंट नहीं लेते, तो ओ पॉइंट आउटसाइड ए बी कंसीडर कर लिया। जब ये ए आउटसाइड है तो एलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ पी एंड क्यू अबाउट ओ कितना होगा। अब यहां पे ये चीज चेक करो, तो पहले तो ओ आउटसाइड है, ये वाली फोर्स पी है, पी फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगी तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और इसका डिस्टेंस कितना होगा इज इक्वल टू ओ ए, तो पी इंटू ओ ए आ गया। अब आ जाओ क्यू फोर्स। अब जो ये क्यू फोर्स है, देखो क्यू फोर्स ओ पॉइंट के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो यहां पे कितना आ जाएगा, क्लॉकवाइज की वजह से साइन माइनस का आ गया, माइनस क्यू इंटू ओ बी। अब फिर से अब जो ये ओ ए है, देखो क्लियर है कि हम इसे लिख सकते हैं ओ सी प्लस सी ए, तो मैंने इसको ओ सी प्लस सी ए लिख लिया। अब अगेन जो ये क्यू है इसके साथ जो ये ओ बी है उसको भी मैं कैसे लिखूंगी, ओ सी प्लस सी बी, ठीक है, क्योंकि ओ सी मैं क्यों चाहती हूँ, क्योंकि ओ सी रिजल्टेंट के पॉइंट का पॉइंट ऑफ एक्शन है। तो ये वाली वैल्यू अपने पास यहां से ओसी वाली टर्म्स मैंने इकट्ठी करी, तो ये हो गया पी माइनस क्यू इंटू ओसी। अनलाइक पैरेलल में तुम्हें पता है पी माइनस क्यू रिजल्टेंट के इक्वल होता है, और यहां से अब मेरे पास क्या चीज बच गई, पी इंटू सी ए, पी इंटू सी ए माइनस क्यू इंटू सी बी, ये चीज और ये मेरे पास कट गया। तो मेरे पास कितना बचा, पी माइनस क्यू इंटू ओसी, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है और ये देखो रिजल्टेंट और ये वाली वैल्यू और इसका मूवमेंट कितना हो गया, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मेरे पास कितना आ गया इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ आर अबाउट ओ। अब देखो अब मैं सेकंड केस ले लेती हूँ। अब इस वाले केस में मैं ये जो सी पॉइंट है ये सी पॉइंट इनसाइड ले लेती हूँ, जो ये सी पॉइंट है मतलब ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट इनसाइड ए बी कंसिडर कर लेती हूँ। अगर मैंने ये ए बी के इनसाइड कंसीडर किया है तो अब यहां से चेक करो, अब देखो ये वाली वैल्यू हो गई, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ पी एंड क्यू अबाउट ओ विल बी इक्वल टू, देखो अब जो ये ओ पॉइंट है पी कैसे एक्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज, पी माइनस क्यू कैसे एक्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज, क्यू कैसे एक्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज। इस बार तीनों फोर्सेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ओ पॉइंट के साथ, तो इस वजह से हर एक के साथ साइन कैसा यूज करेंगे, नेगेटिव साइन। तो मैंने क्या यूज किया, माइनस पी इंटू, अब यहां पे मेरे को डिस्टेंस कितना लेना होगा, एओ, तो मैंने ले लिया एओ, माइनस क्यू इंटू ऑब्वियसली क्यू के साथ ओबे, ये मैंने कंसीडर कर लिया ओबे। अब मेरे को तो पी के साथ और क्यू के साथ कौन सा पॉइंट चाहिए, ओ सी का पॉइंट चाहिए, इसलिए मैंने ए ओ को कैसे लिख लिया, ओ सी माइनस सी ए, इसको मैंने लिख लिया ओ सी माइनस सी ए, ए सी वन एंड द सेम थिंग। इसी तरीके से क्यू, क्यू के साथ मेरे पास आया ओ बी, पर मुझे तो चाहिए बी सी माइनस सी ओ, ठीक है, मैंने इसको भी इस तरीके से लिख लिया। अब क्योंकि रिजल्टेंट भी मुझे पता है नेगेटिव में आएगा, तो मैंने माइनस कॉमन रखा, ये साइन हो गया पी,
ये वाली वैल्यू हो गई p के साथ हो गई माइनस q, क्योंकि ये वाली माइनस माइनस प्लस माइनस बाहर निकला हुआ है, तो ये कितना हो गया माइनस q oc, और ये ac और bc कट गया। तो मेरे पास p माइनस q क्या चीज है इज इक्वल टू रिजल्टेंट, दैट इज r इंटू oc। नाउ इन दिस आर्टिकल वी हैव टू प्रूव दैट एलजेब्रिक सम ऑफ dissolved part of any two parallel forces acting on a rigid body in any direction is equal to dissolved part of their resultant in that direction। तो देखो अब यहां पे अपने पास parallel forces का है, तो या तो वो दो forces like parallel होंगी, like parallel forces है तो पी इधर क्यू इधर और resultant r, r will be equal to p plus q, तुम्हारे को ये पता है। तो उस केस में क्योंकि ये पैरेलल है तो इस वजह से जो ये एक लाइन हमने इस तरीके से एक्स एक्सिस खींची है, तो ये इसके साथ अल्फा एंगल, ये अल्फा और पी प्लस क्यू भी जो रिजल्टेंट है वो भी पैरेलल ही होता है, तो वो अपने पास कैसा हो जाएगा, वो भी मेकिंग एन एंगल अल्फा ही होगा। तो अब यहां से देखो कि जब लाइट पैरेलल है तो अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्सेज पी एंड क्यू इन गिवन डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली पी के साथ हम क्या लिखेंगे पी कोस अल्फा, इसी तरीके से क्यू का क्या हो गया एलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट, पी का एलजेब्रिक सम ऑफ पी का रिजॉल्व पार्ट क्या है लॉन्ग एक्स एक्सिस या इन पर्टिकुलर डायरेक्शन पी कोस अल्फा, और क्यू का क्या है क्यू कोस अल्फा, तो ये दोनों प्लस हो गए, प्लस हो गए तो कोस अल्फा कॉमन निकल गया, पी प्लस क्यू हो गया, पी प्लस क्यू किसके बराबर है आर के, आर क्या है रिजल्टेंट के, तो क्या हो गया रिजल्ट रिजोल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग दैट गिवन डायरेक्शन। अब दोबारा से आ जाओ, अब यहाँ पे पी और क्यू, तो ये जो फोर्स है हमारे पास पी और ये क्यू, ये दोनों इस बार अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, और पी माइनस क्यू ये हमारे पास रिजल्टेंट है। अब देखो हमें पता है कि अनलाइक है तो बड़ी फोर्स के बाहर वाली साइड पे हमारे पास रिजल्टेंट होगा, और ये एंगल अल्फा बना रहा है तो रिजल्टेंट भी अल्फा बनाएगा। अब इधर जो ये वाली वैल्यू है अगर मैं इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करती हूँ, तो तुम्हारे को पता है कि ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो कितना एंगल बनाती है, वो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये टोटल एंगल मेरे पास कितना हो गया 180 प्लस अल्फा। तो इस बार रिजोल्व पार्ट ऑफ पी एंड क्यू फोर्सेस कितना हो गया, पी का तो हो गया पी कोस अल्फा, क्यू का कितना हो गया प्लस क्यू कोस 180 प्लस अल्फा, 180 कोस 180 प्लस अल्फा ऑल साइन 10, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से थर्ड में कोस नेगेटिव है तो यहां हो गया माइनस क्यू कोस अल्फा कॉमन आ गया, तो ये कितना आ गया पी माइनस क्यू कोस अल्फा। तो ये अपने पास रिजोल्व पार्ट से रिलेटेड आर्टिकल था। अब देखो जो हमने आर्टिकल्स करे तो उसके बेस पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी कोप्लेनर फोर्सेस हो तो उन फोर्सेस का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट जरूर होगा, चाहे फोर्सेस इंटरसेक्टिंग है चाहे वो पैरेलल है, पैरेलल में लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्टिंग थी तो हमने क्या किया कि इंटरसेक्टिंग में मान लो एक फोर्स पी थी एक फोर्स क्यू, तो पी और क्यू फोर्स का एक रिजल्टेंट आ गया आर। ये अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से करें तो जैसे हमने यहां से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया था उनका रिजल्टेंट, तो फिर अगर मान लो तुम इनको पी और क्यू के बाद कोई और एक एस फोर्स दे देते हैं तो अगली बार हम आर और एस के साथ पैरेललोग्राम बना लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि F1, F2, F3 and so on से Fn forces हैं। पहले हम इनका रिजल्टेंट कह देंगे क्योंकि जैसे हमने सिस्टम में किया तो इनका रिजल्टेंट R1 आ गया, फिर अब R1 एक फोर्स और F3 दूसरी फोर्स, इनका रिजल्टेंट हो गया R2, फिर इसी तरीके से R2 और F4 के साथ हमने R3 कंसीडर कर लिया एंड सो ऑन। तो हम चाहे कितनी मर्जी नंबर ऑफ फोर्सेस थी, हमारे पास सारा सिस्टम किस में रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया एक सिंगल फोर्स में जो कि इक्वल टू है दियर रिजल्टेंट। ठीक है,
तो अपने पास अब यहां क्या है, एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस हैव अ रिजल्टेंट, कोप्लेनर है तो उसका रिजल्टेंट जरूर होगा, और फिर एलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट। तो जब हमने अलग अलग फोर्सेस करी, देखो F1 की, F2, F3, F4, जब हम आगे अब इनका मूवमेंट लेते हैं, तो मूवमेंट लेंगे तो हमने सबका मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमने शो किया कि दो का रिजल्टेंट हमारे पास, अगर हम दो को का निकालते हैं एलजेब्रिक सम, तो वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू मूवमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम इसको जनरलाइज कर देंगे, और वो भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट। अब इसी तरीके से आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास एलजेब्रिक सम ऑफ रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्सेस। अगर हम रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्सेस लेते हैं, इसको भी जनरलाइज करते हैं, तो वो भी क्या चीज आ जाती है, रिजोल्व पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट। मतलब है कि चाहे तो अब हम चाहे तो अलग अलग से सेपरेट फोर्सेस यूज करके उनके रिजोल्व पार्ट ले लें, या अकेला रिजल्टेंट का रिजोल्व पार्ट ले लें, सेम फॉर मूवमेंट्स। अब देखो इसके अलावा एक हमारे पास अब रिजल्ट क्या है, कि कोई भी सिस्टम है वो या तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाता है या कपल में। देखो सिस्टम ऑफ फोर्सेस ये हमने कब, जबकि इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग थी तो हमने बता दिया कि ये एक सिंगल फोर्स आर्म में किस तरीके से जनरलाइज्ड हमने कर दिया। अब देखो अगर ये पैरेलल फोर्सेस हैं, पैरेलल में या तो लाइक पैरेलल है या अनलाइक पैरेलल है। लाइक पैरेलल में मान लो मैं कितनी भी फोर्सेस ले लेती हूँ, एक हो गई F1, एक हो गई F2, एक हो गई F3, तो F1 और F2 का रिजल्टेंट मेरे पास हो गया R1। अब अगली बार मैं ले लूंगी R1 और F1 का, F3 का रिजल्टेंट वो मेरे पास हो गया R2, एंड सो ऑन। फिर यहां से F4 का रिजल्टेंट एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से भी मेरे पास क्या चीज आ जाएगा, ये मेरे पास है लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसमें भी मेरे पास सारा का सारा सिस्टम एक सिंगल फोर्स पे रिड्यूस हो जाएगा। अब मैं करती हूं, अगर मेरे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, अब अगर मेरे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो देखो पहले मैंने यहां पे फोर्स यूज करी P, यहां पे फोर्स यूज करी Q, तो मेरे पास रिजल्टेंट कितना आ गया, यहां पे आ गया P माइनस क्यू। अब इसी तरीके से P माइनस क्यू इस साइड है, मेरे पास कोई दूसरी फोर्स है से Q1, तो यहाँ पे अब मेरे पास जो रिजल्टेंट है वो इधर मेरे पास आ जाएगा। सपोज इधर आ गया, वो हो गया P माइनस क्यू माइनस क्यू वन। हो सकता है कि एक टाइम मेरे पास अब ये वाली जो फोर्सेस है, तो जाके वो जो भी जितना भी कोई भी प्लस माइनस होने के बाद, हो सकता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, पर क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग फोर्सेस एड या सब्ट्रैक्ट होती जाएंगी, पर वो जो रिजल्टेंट है वो एक मेरे पास सिंगल आ जाएगा। अब मेरे पास जो एक प्रॉब्लम रह जाती है वो किसकी है, वो है एक कपल की। अब तुम्हारे को ये पता है कि अगर मैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में पी और पी, मेरे पास ये फोर्स भी पी है और ये फोर्स भी पी है, तो उस केस में देखो अगर अनलाइक में यहाँ पे ये वाली मेरे पास P थी वैल्यू और एक Q थी, तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट था, तब भी मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। दो का रिजल्टेंट आ गया तो उसको मैं तीसरी फोर्स के साथ, फिर फोर्थ के साथ एंड सो ऑन, बिल्कुल पहले जो सिस्टम हमने किए हैं उनके अकॉर्डिंग सिंगल फोर्स में रिड्यूस कर लूंगी। पर इस वाले केस में जब P और P की वैल्यू दोनों सेम आ जाती है, तो हमें पता है कि अब इसका रिजल्टेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये केस ऑफ फेलियर आ जाता है। तो उस केस में ये हम कहते हैं कि कपल बनाता है। तो अपने पास अब यहाँ पे सारे सिस्टम में ये ध्यान रखना है कि चाहे हमारे को सिस्टम में कितनी भी फोर्सेस दी हो, तो वो सारी की सारी फोर्स या तो एक सिंगल फोर्स में बचेगी या फिर एक कपल में बचेगी। हम ज्यादातर केसेस अभी तक सिंगल फोर्स वाले यूज कर रहे हैं, कपल वाला चैप्टर हम बिल्कुल सेपरेट सिक्स चैप्टर करेंगे। वी हैव क्वेश्चन इन विच वी हैव टू प्रूव दैट अ फोर्स एफ एक्ट एट पॉइंट थ्री फोर
इस बार हमारे को एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन के अंदर जो कि 3 और 4 है। फोर्स इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो सबसे पहले तो मैंने एक एक्स एक्सिस बना दिया, एक वाई एक्सिस बना दिया, इस पे एक पॉइंट ए रिप्रेजेंट करा 3 4। तो ऑब्वियसली तुम्हारे को पता है कि इसका मतलब क्या हो गया, जो ये ए से एम तक का डिस्टेंस है ये 3 है और ये जो ए से एल तक का डिस्टेंस है ये 4 है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 3 है और ये वाला डिस्टेंस 4 है, ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है। फिर क्या कहा है, फोर्स अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ये ओरिजिन है तो ये इससे दूर की तरफ जा रही है। फिर आगे हमारे को कहा है एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू एक्स एक्सिस। तो अब देखो मैंने इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ट्रेस करी तो वो एक्स एक्सिस के साथ, तो वो यहां पे भी उतना ही एंगल बनाएगी। तो ये यहां से मैंने एक पैरेलल लाइन बना दी, एक पैरेलल लाइन मैंने मतलब एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ट्रेस करी और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो यहां पे भी मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। तो फिर अपने पास अपने को यहां पे बताना है कि और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 5 kg। अब देखो जो इसका ये वाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे को गिवन है कि 5 kg है। तो अब अपने को बताना है कि पहले तो एफ की वैल्यू बतानी है, तो पहले तो हम एफ की ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो जो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होता है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो कितना हो जाएगा, वो इक्वल टू एफ कोस 60 डिग्री। तो यहां से मैंने लिख दिया एफ कोस 60 डिग्री, ये मुझे गिवन है 5, कोस 60 की मैंने वैल्यू पुट कर दी 1/2, तो एफ की वैल्यू मेरे पास आ गई 10 kg वेट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में मुझे क्या कहा है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ। तो देखो जो एफ की फोर्स है उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है अबाउट ओ यूजिंग वेलिग्नन थ्योरम। तो जो ये हमने थ्योरम की थी इसमें हमने क्या किया था कि मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ इट्स रिजॉल्व्ड पार्ट अबाउट ओ। तो इसकी वजह से यानी कि अब मैं एक तरफ तो यहाँ पे वैल्यू मैंने यहाँ कर ली, अब देखो तो मैंने फिर दोबारा क्या किया, तो पहले तो मैंने मूवमेंट तो रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ फोर्स अलोंग ओ एक्स और अबाउट ओ वाई फाइंड आउट कर लिया। तो रिजॉल्व्ड पार्ट अबाउट एक्स एक्सिस तो मुझे पता है कि गिवन है कि 5 है, तो ये तो मैंने लिख दिया कि इज इक्वल टू 5 है। फिर अब मैंने क्या निकाला, रिजॉल्व पार्ट ऑफ एफ अलोंग ओ वाई वो कितना हो जाएगा अबाउट, तो एफ साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू मैंने अंडर रूट 3/2 पुट करी, एफ की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ, सॉल्व किया तो 5√3 आ गया। अब क्योंकि मेरे को वेलिग्नन थ्योरम यूज करके मूवमेंट निकालना है तो रिजॉल्व पार्ट एक तो है मेरे पास 5, एक है 5√3। तो देखो एक्स के साथ तो ये 5 और ये ओरिजिन के यहाँ पे इसके साथ का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास कितना है 4। तो देखो 5 के साथ 4 की मल्टीप्लिकेशन हो गई और 5√3, तो इसके साथ मेरा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स के साथ वो कितना है 3, तो इसके साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी चीज डायरेक्शन, अब डायरेक्शन में मेरे पास जो ये ओ है, ओ पॉइंट के साथ देखो ये वाली फोर्स एफ है वो इस तरफ आ रही है यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पॉइंट ओ है ये कैसे जाएगा इसके साथ, इस तरफ आएगा, तो ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 के साथ हमने नेगेटिव साइन यूज किया है, 5√3 के साथ हमने पॉजिटिव साइन यूज किया है, इसको कैलकुलेट करके हमने इतने यूनिट्स में लिख लिया। अब लास्ट पार्ट पे आ जाओ, लास्ट में हमें क्या कहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। अब जो ये फोर्स है, फोर्स हमने कंसीडर कर लिया कि जो फोर्स है वो कितना एंगल बना रही है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ओ के साथ, हमने मान लिया ओरिजिन के साथ पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लेट अस कंसीडर पी विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इससे हमारे को क्या पता चलता है, देखो हमने कहा है कि मूवमेंट किसके बराबर होता है,
मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है एफ, तो उसकी वजह से हमारे पास मोमेंट कितना हो गया एफ इंटू परपेंडिकुलर। एफ की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि 10 है, तो 10 इंटू पी हो गया। पर अभी वैद्यनाथन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने निकाला है कि मोमेंट इतना है, तो यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। अब इन दोनों को तुम सोल्व कर लो और यहां से हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि पी की वैल्यू आ जाएगी। अगेन इन दिस क्वेश्चन अ वेटलेस रोड रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन टू पॉइंट्स ए बी 5 मीटर अपार्ट। अब देखो ये जो ए बी रोड दी हुई है ये हॉरिजॉन्टल बेस के ऊपर रेस्ट कर रही है और इसकी लेंथ हमें दी हुई है 5 मीटर। बिटवीन ए एंड बी टेक पॉइंट सी ओ एंड डी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 1 मीटर, ए ओ इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यानी कि सी ओ तक का इसका डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर। फिर आगे हमें कहा है ए डी इज इक्वल टू 3.5 मीटर, तो इस वजह से अब ये कितना, क्योंकि यहां तक दो तो ये कितना है 3.5, तो ये कितना हो गया 1.5। टोटल लेंथ कितनी है रोड की 5, तो 3.5 हो चुका, तो ये वाला लेंथ भी हमारे पास कितनी आ गई 1.5। ये सारे मेजर्स हमने फाइंड आउट कर लिए और लिख दिए। अब दोबारा से आ जाओ, अब यहां पे फिर क्या कहा है अ वेट ऑफ 2 kg इज हैंग एट सी एट एंड अनदर ऑफ 1 kg एट डी। तो अब सी से एक 2 kg और डी से एक 1 kg का वेट हैंग किया हुआ है। ऑब्वियसली जब वेट है तो वो डाउनवर्ड भी एक्ट करेगा, तो हमने 2 और 1 kg को एक्टिंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसके बाद अपने पास फिर क्या है, फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट अबाउट ओ ऑफ द फोर्स ऑन ईच साइड ऑफ ओ। तो अपने को अब ओ के अबाउट मूवमेंट निकालना है, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। तो इसके लिए अब हमने क्या किया, देखो जब भी हम किन्हीं 2 पेग्स के ऊपर एक रोड को लगा देते हैं तो वो रोड की टेंडेंसी क्या होगी कि नीचे की तरफ गिरने की। पर जैसे किसी भी 2 बुक्स लगा के हम कोई एक हैंगर टांग देते हैं तो वो कभी गिरता तो नहीं है, यानी कि 2 अपवर्ड फोर्सेस भी आई है क्योंकि वो रेस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है सिस्टम इक्विलिब्रियम की स्टेज पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि इन्हीं के इक्वल एंड अपोजिट 2 फोर्सेस एक्ट करेंगी। वो फोर्सेस कहाँ पे एक्ट करती होती है, जहां पे बॉडी रेस्ट करने लग रही है, जिन पॉइंट्स के ऊपर रोड रेस्ट की पोजीशन पे है। तो एक तरफ तो हमने अपवर्ड फोर्स आर कंसीडर कर ली, दूसरे पे अपवर्ड फोर्स एस कंसीडर कर ली। तो जो ये आर और एस फोर्सेस हैं, क्योंकि सिस्टम पूरे के पूरा इक्विलिब्रियम की स्टेज में है तो ये बिल्कुल आर प्लस एस विल बी इक्वल टू 2+1, तो अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है आर प्लस एस इज इक्वल टू 3। अब देखो जो भी मूवमेंट है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो रोड रेस्ट में है, तो इसका मतलब अपने पास क्या होगा, मूवमेंट चाहे ए के अबाउट लो चाहे मूवमेंट अबाउट बी लो, वो रिजल्ट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो मैंने क्या किया, एक बार क्योंकि मुझे आर और एस की वैल्यू नहीं पता तो इसलिए एक बार मैंने मूवमेंट अबाउट ए फाइंड आउट कर लिया। जब मैंने मूवमेंट अबाउट ए लिया, क्योंकि ए में से तो आर फोर्स क्रॉस कर रही है, तो इस वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा आर इंटू 0। तो पहला हो गया आर इंटू 0। फिर अब जो ये डाउनवर्ड फोर्स है 2, ये ए के साथ कैसे है क्लॉकवाइज, ये 1 कैसे है क्लॉकवाइज, एस कैसे है एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 के साथ नेगेटिव, 1 के साथ नेगेटिव, एस के साथ पॉजिटिव आ गया, और बाकी इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो 2 के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1, और फिर 1 के साथ कितना है ये यहां तक का यानी कि 3.5, एस के साथ कितना है 5। तो यहां पे ये मैंने 1, 3.5 और 5 मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व किया तो एस की वैल्यू मेरे पास आ गई 11/10। एस की वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट करी तो मेरे पास आर की वैल्यू आ गई 19/10। तो एक बार मेरे पास आर और एस की वैल्यू आ गई। अब जो मुझे काम करना है वो मुझे एक बार लेफ्ट साइड ऑफ ओ के मूवमेंट निकालना है, एक बार राइट साइड ऑफ ओ के मूवमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले मैंने लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली,
अब जब मैंने लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली तो यानी कि मुझे इन दो फोर्सेस का मूवमेंट फाइंड आउट करना है। अब देखो जो ये ओ फोर्स है ये इसके साथ किस डायरेक्शन में आर, जो ये आर फोर्स है ये ओ के साथ किस तरीके से आ रही है, ये क्लॉकवाइज आ रही है। और जब ये वाली वैल्यू अपने पास यहां से कितना हो गया, तो आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है 19/10, तो -19/10 हो गया। और इसके बीच का डिस्टेंस ये अपने पास कितना है देखो 1 और 1, तो ये कितना हो गया (2)। अब दोबारा से आ जाओ, जो ये टू फोर्स है ओ के साथ देखो ये ऐसे आ रही है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने कौन सा साइन दिया प्लस। तो जो ये टू के साथ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना है 1, तो ये मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया -9/5। अब आ जाओ राइट साइड, अब राइट साइड ऑफ ओ, तो देखो जो ये 1 है 1 इस तरीके से जा रहा है, तो ये 1 कैसी डायरेक्शन हुई इसकी, ये मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई तो -1 हो गया। और फिर एस, एस की डायरेक्शन ओ के साथ इस तरीके से यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एस की वैल्यू मेरे पास है 11/10, तो यहां पे मेरे पास आ गया +11/10। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाले जो 1 है 1 के साथ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1.3, और एस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1.3 + 1.3 = 3। इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 9/5 मीटर केजी मीटर। तो यहाँ पे जो ये अपने पास रिजल्ट आया है, मोमेंट ऑफ लेफ्ट और राइट में केवल साइन का फर्क है तभी वो बैलेंस बना हुआ है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।